भारत रत्न पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी का अस्थि कलश आज देर शाम को इलाहाबाद पहुंचेगा। 25 अगस्त को पवित्र संगम में पूरी श्रद्धा के साथ इनका विसर्जन होगा। कल सुबह 9 बजे सर्किट हाउस से कई मार्गों से होते हुए संगम पहुंचेगा अस्थि कलश। स्वतंत्र प्रभार मंत्री महेंद्र सिंह व अन्य मंत्री लखनऊ से अस्थि कलश लेकर आज दोपहर लगभग 2 बजे तक आएंगे। लखनऊ से इलाहाबाद के बीच सैकड़ों स्थानों पर अस्थि कलश पर पुष्पार्चन होगा। इलाहाबाद के लाल गोपालगंज में दोपहर 2 बजे आयोजित श्रद्धांजलि सभा में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य मौजूद रहेंगे। लाल गोपालगंज के बाद नवाबगंज हाईवे से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य मंत्री महेंद्र सिंह भाजपा के अन्य नेताओं के साथ कौशाम्बी मूरतगंज के लिए अस्थि कलश को लेकर रवाना होंगे। कौशाम्बी मूरतगंज से पूरा मुफ्ती बमरौली होते हुए इलाहाबाद शहर में पहुंचेगा अस्थि कलश। जगह जगह पर बने मंच से अस्थि कलश पर पुष्पार्चन की व्यवस्था होगी। शाम 7 बजे तक इलाहाबाद सर्किट हाउस में अस्थि कलश पहुंचेगा। कल सुबह 9 बजे सर्किट हाउस से निकलकर शहर के विभिन्न रास्तों से होकर पवित्र संगम तट पर अस्थि कलश पहुंचेगा। कुछ ही मिनट में यहां पर पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी जी का अस्थि कलश आ रहा है, जिसे संगम में विसर्जन का कार्यक्रम है। यहाँ कोई सभा और भाषण नहीं होगा। सब लोग जिनके हाथ में पुष्प है वो सबको बंटवा दें। 24 के लिए वीडियो जर्नलिस्ट रोहित शर्मा।